क्या हाल है भाइयों, मैं हूं हर्ष रोहिला और आज हम बात करने वाले इनोवा क्रिस्टा की और इनोवा हाई क्रॉस की। दोनों ही सेम सेगमेंट की गाड़ियां हैं। हम कह सकते हैं कि जो इनोवा हाई क्रॉस है वो क्रिस्टा का अपग्रेडेड वर्जन है। जो क्रिस्टा है उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 7.5 लाख से ये एक शोरूम स्टार्ट हो जाती है और जो हाई क्रॉस 18.5 लाख से स्टार्ट होती है। बस 1 लाख का डिफरेंस आता है प्राइस रेंज में। जिसका जितना बजट है वो उस हिसाब से गाड़ी को चूज कर सकता है। दोनों ही गाड़ी की जो फ्रंट लुक है वो टोटली डिफरेंट है। आप देख सकते हो जो हाई क्रॉस की ग्रिल है वो क्रिस्टा की ग्रिल से टोटली अलग है और बढ़िया भी है। और जो गाड़ी हेडलाइट्स है वो भी चेंज कर दी गई है इनोवा हाई क्रॉस की। बम्पर के डिजाइन में भी चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। और जो क्रिस्टा की लुक है वो आप देख सकते हो सेम ही है जो जैसे पहले आती थी। तो आप देख सकते हो जो दोनों ही गाड़ी की टोटली जो फ्रंट लुक है वो एक दूसरे से अलग भी है। और जो हाई क्रॉस की लुक है वो एक SUV जैसा फील देती है, बट जो क्रिस्टा की है वो एक MTV जैसा लुक देती है। और जैसे ही हम दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल की तरफ मूव करेंगे तो क्रिस्टा में आपको 17 इंचेस के टॉप एंड मॉडल में अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाएंगे, बट जो क्रिस्टा के अलॉय व्हील्स हैं उसमें आपको डायमंड कट स्टाइल में आपको व्हील मिलेंगे। और वहीं जो हाई क्रॉस के है उसमें आपको सिंपल डिजाइन के साथ अलॉय व्हील मिलेंगे, बट जो टायर का साइज है इसमें अप एंड मॉडल में एक्सटेंड कर दिया गया जो कि 18 इंचेस है। जो हमारी इनोवा क्रिस्टा है वो रियर व्हील ड्राइव है, बट जो हमारी इनोवा हाई क्रॉस है वो फ्रंट व्हील ड्राइव है। ये कुछ इसकी ड्राइविंग में चेंजमेंट थी जो कि मैंने आपको बता दी है। साइड में ORBMs आपको सेम ही मिलेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और जो गाड़ी की दोनों गाड़ियों की जो डायमेंशंस है वो सेम ही है लगभग लगभग, बट थोड़ा सा हाइट में चेंज है। और जो व्हील बेस है उसमें आप चेंज देख लोगे इनोवा हाई क्रॉस में और कंपैरिजन क्रिस्टा के। तो कुछ ओवरऑल इस तरीके की हाई क्रॉस की लुक थी और क्रिस्टा की तो वही सेम आपने देख रखी है। आप सब वाकिफ हो इस चीज़ से। और जैसे ही हम दोनों गाड़ी के बैक प्रोफाइल की तरफ मूव करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो जो गाड़ी की दोनों गाड़ियों की लुक्स है वो टोटली चेंज है। वहीं हाई क्रॉस की जो लुक है वो और ज़्यादा SUV टाइप लग रही है और जो क्रिस्टा की है वो एक MTV टाइप ही लग रही है। और टेल लाइट्स में डिज़ाइन में आप डिफरेंस देख सकते हो, बट और कोई डिफरेंस नहीं है। और जो इनोवा हाई क्रॉस का टॉप एंड मॉडल है उसमें नीचे बम्पर में आप सिल्वर कलर डिज़ाइन की फिनिशिंग भी देख पाओगे। क्रिस्टा में जो बॉडी कलर होगा वही सेम इसमें आपको बम्पर में भी कलर मिलेगा। जो इनोवा हाई क्रॉस है उसमें आप 360 डिग्री कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, बट क्रिस्टा में आपको 360 देखने के लिए नहीं मिलता है। और जो 360 कैमरा है वो सिर्फ आपको अप एंड मॉडल में मिलेगा इनोवा हाई क्रॉस के। वही रूफ की बात करते हो, रूफ में आप दोनों में शार्क एंटीना देख सकते हो, बट रूफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनोवा हाई क्रॉस में आपको सनरूफ देखने के लिए मिलेगी, सनरूफ में भी आपको पैरानोमिक सनरूफ देखने के लिए मिलेगी, बट क्रिस्टा में आपको सनरूफ नहीं मिलती है। तो वहीं अगर गाड़ी के डोर्स की बात करें तो डोर्स में आप देख सकते हो सिंपल जो कंट्रोल्स होते हैं वही कंट्रोल्स है, बट आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा। जो इनोवा हाई क्रॉस है उसमें आप लेदर फिनिशिंग देख सकते हो वो भी ब्राउन कलर के साथ, बट जो इनोवा क्रिस्टा है उसमें आपको लेदर रैप नहीं मिलता है कहीं पर भी। तो वहीं अगर स्टेयरिंग की बात करें तो हाई क्रॉस में आपको न्यू जनरेशन वाला स्टेयरिंग देखने को मिलेगा और जो इनोवा में अपना स्टेयरिंग आता था वही इनोवा में स्टेयरिंग है। और जो दोनों ही गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुली डिजिटल तो नहीं है, बट बीच में आप दोनों में DIS देख सकते हो जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगी। वहीं आप हाई क्रॉस में देखें तो 10 इंचेस की आपको उसमें डिस्प्ले मिलेगी और क्रिस्टा में आपको 8 इंचेस की डिस्प्ले मिलेगी। दोनों में आप एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले चला सकते हो। डिस्प्ले के नीचे आप वही सेम AC विंड्स देख सकते हो, बट जो इनोवा क्रिस्टा है उसमें आपको ऊपर AC विंड्स देखने के लिए मिलेंगे और साथ में हम टाइमिंग भी देख सकते। और जो इनोवा हाई क्रॉस का गियर लीवर है वो एक सोच समझ के एडजस्ट करा गया है, बट जो क्रिस्टा का है जो हर गाड़ियों में सेम आता है वही आपको सेम देखने के लिए मिल जाएगा। इनोवा हाई क्रॉस की जो दोनों फ्रंट सीट्स है उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको अच्छा कंफर्ट मिलेगा, दोनों ही गाड़ियों की आपको सीट्स भी फुल कंफर्टेबल आपको सीट्स मिलेगी। इनोवा क्रिस्टा में आपको वुडन फिनिश दिखाई दे जाएगी, बट जो इनोवा हाई क्रॉस है उसमें आपको लेदर फिनिशिंग दिखाई देगी ब्राउन कलर के साथ। टोटली दोनों गाड़ियों का जो इंटीरियर है टोटली डिफरेंट है और दोनों ही एक अलग ही लग्जरी फील देती है। इनोवा हाई क्रॉस में आपको स्ट्रेट इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा, बट जो इनोवा क्रिस्टा है उसमें आपको सी टाइप में मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया भी लगता है। बैक रेयर सीट्स में आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। जो हाई क्रॉस की सीट्स हैं उसमें आपको कैप्टन सीट्स का ऑप्शन
भी मिलेगा और साथ में इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स भी मिलेगी और साथ में इसमें आपको मेमोरी फंक्शन भी मिलेगा दोनों फ्रंट रेयर सीट्स में। और पीछे आप रेयर वाली सीट्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो, बट क्रिस्टा में नहीं कर सकते। क्रिस्टा में आपको कैप्टन सीट्स का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। और ज्यादा कम्फर्ट चाहिए तो वो इनोवा हाईक्रॉस की तरफ जा सकता है, बट बजट सही है, बजट क्रिस्टा जितना है तो क्रिस्टा एक बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। पीछे भी आप एसी के कंट्रोल्स देख सकते हो हाई क्रॉस में भी, क्रिस्टा में भी, और आपको यूएसबी पोर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोनों ही गाड़ी के बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। जो दोनों ही गाड़ियों का बूट स्पेस है लगभग आपको सेम बूट स्पेस मिलेगा। इसमें आपको स्पेयर टायर नीचे देखने के लिए मिल जाएगा जो कि और ज्यादा बूट का स्पेस इंक्रीज कर देता है। और साथ में जब हम दोनों ही गाड़ियों के थर्ड रो को डिक्लाइन कर देंगे तो उसमें दोनों ही गाड़ियों में अच्छा खासा बूट स्पेस हो जाएगा। जो इनोवा क्रिस्टा है उसमें आपको दोनों ही पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा, बट जो इनोवा हाईक्रॉस है उसमें आपको सिर्फ पेट्रोल और हाइब्रिड का ऑप्शन मिलेगा, डीजल का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। किसी बंदे को पावर चाहिए तो उसके लिए क्रिस्टा बेस्ट है, और अगर और कुछ मतलब माइलेज ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हाईक्रॉस बेस्ट है। कंपनी क्रिस्टा में 15 की माइलेज क्लेम करती है, जो इनोवा हाईक्रॉस है वो लगभग आपको 21-22 की एवरेज दे देगी। वहीं जो इनोवा क्रिस्टा है उसमें आपको 2.4 लीटर का इंजन देखने के लिए मिल जाएगा जो कि काफ़ी पावरफुल है इनोवा हाईक्रॉस के कंपैरिजन में, और इनोवा हाईक्रॉस में आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि इनोवा क्रिस्टा से कम है। जो इनोवा क्रिस्टा का इंजन है वो 148 bhp प्रोड्यूस करता है और 343 nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं जो इनोवा हाईक्रॉस का इंजन है वो 184 bhp प्रोड्यूस करता है और 188 nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि क्रिस्टा के कंपैरिजन में बहुत कम है। और दोनों ही गाड़ियों में आपको बैटर इंसुलेशन के लिए इंसुलेशन सिस्टम भी मिल जाएगा। तो दोनों ही गाड़ियों के हम सेफ्टी फीचर की बात कर लेते हैं। जो इनोवा क्रिस्टा है वो 5-स्टार रेटेड गाड़ी है, एशियन एनकैप ने उसको 5-स्टार दे रखे है, और जो इनोवा हाईक्रॉस है उसकी अभी तक तो टेस्टिंग नहीं करी गई है, बट वो भी लगभग 4 से 5 स्टार ले आएगी सेफ्टी में भी। टोयोटा सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो भाइयों मैंने आपको दोनों ही गाड़ियों में डिफरेंस बता दिया है। दोनों ही एक अलग अलग गाड़ियां हैं और दोनों का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, बट जो इनोवा क्रिस्टा है वो काफी सालों से मार्केट में है, उसका एक अलग ही स्वैग है, और जो हाईक्रॉस है वो अभी अभी मार्केट में आई है। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।